हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको स्लाइस मैंगो फ्रूट डिंग का ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। ना मैं इसके मेरिट्स की बात करूंगी, ना डिमेरिट्स की बात करूंगी, जस्ट अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। स्लाइस मैंगो एक फ्रूट ड्रिंक है, मैंगो फ्लेवर में मिलता है, भारत में भी है, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। ये इस तरह की पैकिंग में भी आता है, उसके अलावा बोतल में भी आता है। हो सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड स्लाइस मैंगो हो ड्रिंक। प्राइस की अगर बात की जाए तो ये पहले 20 रुपीज़ का होता था, अभी मैं आप लोगों के साथ अपना रिव्यू शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ 30 रुपीज़ का। ये पहले मुझे भी अच्छा लगता था, लेकिन हमारे घर में जो बच्चे थे वो इसको रेगुलर यानी कि एक दो दिन छोड़ के हफ्ते में एक दो दफ़ा पी लिया। इस तरह इनका ये रूटीन था कि ये जूस वगैरह ऐसे पिया करते थे, तो उनका गला जो होता था अक्सर ख़राब हो जाता था, इन्फेक्शन हो जाता था। जैसे गला ख़राब होता है बच्चों का, खांसी आती है, वोमिट होती है, ETC जैसे सिम्टम्स वो होते हैं। फिर हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा आप लोग जूसेस वगैरह का तो नहीं इस्तेमाल करते हो, तो जो टिन के या कैन के प्रिजर्वेटिव जूसेस होते हैं उनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर ज़्यादा होता है। तो हमने कहा जी, उन्होंने कहा आप ये चीज़ें ना दें, आप घर पे जूसेस वगैरह उनको दें फ्रेश, तो इससे बच्चा ठीक रहेगा। तो हमने ऐसे ही किया, तो बिलीव करें उसके बाद बेबी का गला इन्फेक्शन वगैरह नहीं हुआ उसको। तो आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि घर पर फ्रूट्स वगैरह लेके जूसेस वगैरह बनाएँ आप लोग, आपके बच्चे के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। हाँ, अगर आप बाहर सफ़र पे कहीं जा रहे हैं, बच्चा जिद कर रहा है, तो फिर आप ले सकते हैं एक आध दफ़ा, लेकिन सेहत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए। खासतौर पर बच्चों की सेहत के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए। घर पे फ्रेश फ्रूट्स लेकर आइए, जूसेस बना के दीजिए। एक तो आपको ये होगा कि अपने अपने हाथों से बनाया है, इसके अंदर कोई और चीज़ इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स में है कि आर्टिफिशियल फ्लेवर बहुत है इसमें, और मैंगो पल्प है मुझे नहीं लगता, और इसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं और मैंगो पल्प मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर उसने उन्होंने ऐड किया होगा इतना। ऐसे जस्ट फ्लेवर ज़्यादा है इसमें, फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा इसमें डाल दिया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो को आप उसको पी के थोड़ा सा छोड़ देना उसको 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद आप उसको ऑब्जर्व करें तो आपको इसके कलर में बहुत चेंजिंग नज़र आएगी। इसमें बहुत हद तक उन्होंने आर्टिफिशियल फ्लेवर डाला हुआ है, आर्टिफिशियल कलर डाला हुआ है। तो ये था मेरा रिव्यू, इट्स अप टू यू कि आपने इसको पीना है नहीं पीना है। मेरा जस्ट काम था आपको रिव्यू देना और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग वीडियोज़।